नगर और पठानकोट आतंकी हमले से सबक लेते हुए पंजाब सरकार ने दुश्मन से निपटने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों की तैनाती का फैसला लिया। पठानकोट और दीनानगर में हुए दहशतगर्दी हमलों के जैसे हालात के साथ दो चार होने के लिए पंजाब पुलिस अब तैयार है। पंजाब सरकार की तरफ से सुरक्षा के लहजे से अहम कदम उठाए गए हैं और ये मीडियम बुलेट प्रूफ गाड़ियां तैनात की गई हैं। 11 मीडियम बुलेट प्रूफ गाड़ियां खासकर बॉर्डर एरिया में तैनात रहेंगी और एक गाड़ी में करीब 11 पुलिस मुलाजम सवार हो सकते हैं। खास बात यह है कि ये गाड़ियां बम और भारी गोलाबारी का भी सामना कर सकती हैं और गाड़ियों की खासियत ये भी है कि इनमें एलसीडी स्क्रीन, नाइट मोड यंत्र, 360 डिग्री पर घूमने वाला कैमरा, एसी समेत तमाम सहूलतें हैं। इनमें से एक गाड़ी मोहाली में तैनात की गई है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास ये गाड़ी तैनात रहेगी। असल में इनका मकसद पंजाब पुलिस को इस तरह के हालात से हर पल तैयार रहने के लिए उनके काबिल बनाना है। सर, इसमें क्या क्या इंतजाम है, खास करके अगर बड़े मोटे तौर पे? ये बुलेट प्रूफ व्हीकल में हमने जो 8 जवान होंगे वो SLR या लॉन्ग रेंज वेपन होंगे। एक LMG के साथ लड़का हमारा ये जो ऊपर बुलेट प्रूफ मोर्चा बना उसमें तैनात रहेगा और एक लड़का ऑपरेटर टाइप होगा जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वो सारी चीज़ इनको ब्रीफ करेगा कि इस साइड दुश्मन है या इस साइड है, वो सारा स्क्रीन पे उसको कैमरे से चेक करके इनको ब्रीफ करेगा, बताएगा। कैमरा चलता रहेगा 24 घंटे जब जरूरत पड़ेगी? जो रियर कैमरा है तो गाड़ी जब ऑन रोड चलती है तब भी ऑन ही रहता है। इस कैमरे को हम जरूरत पड़ने पे जब हमें जरूरत है तब हम इसको चलाते हैं। शुरुआत में ये मीडियम बुलेट प्रूफ वैन पंजाब के 11 डिस्ट्रिक्ट्स में तैनात रहेंगी। करीब 74 लाख रुपए की लागत वाली इस वैन में चालक समेत 11 शार्प शूटर की टीम भी तैनात रहेगी। चंडीगढ़ से जगतार बुलर, जी मीडिया।